हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। हरियाणा में एक बार फिर से एक वीक के लिए यानी कि 5 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो क्या है अपडेट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने रविवार यानी कि आज 5 जुलाई तक कोविड प्रेरित लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आज आदेश में कुछ और ढील दी गई है जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो संशोधित आदेश के अनुसार प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र एवं शिशुघर 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र और शिशुघरों पर आदेश आ चुका है, ये 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। WCD राज्य में विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली जारी करेगा। विश्वविद्यालय परिसरों को आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाकर अनुसंधान विद्वानों, प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक कक्षाओं और उपचारात्मक कक्षाओं संदेह वर्गों के लिए खोलने की अनुमति रहेगी। तो क्या क्या अनुमति है क्या नहीं, सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। रेस्टोरेंट और बार को सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। रात 10 बजे तक होटल, रेस्टा और फास्ट फूड ज्वाइंट होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है। शादियों, अंत्येष्टि, दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक की अनुमति है। बारात की अनुमति अभी भी नहीं है। खुले स्थानों में 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सभाओं की अनुमति होगी। गोल्फ कोर्स, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। सदस्यों और आगंतुकों को भी प्रबंधन द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जाएगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। जिम को भी खोल दिया जाएगा 50% क्षमता के साथ, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान और उद्योग को कार्य करने की अनुमति है। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति, जिसमें संपर्क खेलों को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियां शामिल है। इसमें दर्शकों की अनुमति अभी भी नहीं होगी। स्विमिंग पूल और स्पा बंद रहेंगे। तो दोस्तों, ये हैं कुछ गाइडलाइंस जो हरियाणा की तरफ से जारी की गई है। इसी तरीके से हर रोज न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।